सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज, अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, अभियुक्त लेखपाल मनोज यादव की नई गिरफ्तारी से मृतक परिवार के लोगों में दहशत। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां विकासखंड 15 तहसील सिकंदरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बनकटा कलाडीह बाबा स्थान के पास जो हत्या हुई उसके बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सूर्यपाल यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं साधन सहकारी समिति उपाध्यक्ष ने बताया कि उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर के यहाँ दिनांक 10 जुलाई 2022 को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा राजस्व निरीक्षक हल्का लेखपाल थाना अध्यक्ष केजुवी से स्थलीय निरीक्षण स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई। पुनः दिनांक 30 जुलाई 2022 को प्रार्थना पत्र दिए कि विपक्षी अवैध ढंग से नागचरण खूंटा पेड़ पौधा उखाड़ दिए है तथा घर के महिलाओं के साथ मारपीट गली गलौच किया जा रहा है। एफआईआर पहला हो गया होता तो हमारा माताजी को हत्या नहीं हुई। ये मकान कितनी पुरानी है आपके? मकान सब सैकड़ों वर्ष पुरानी मकान है सर। हमारे पिता बाबा दादा बनाए, हम नहीं बनवा रहे। कोई नाम नया काम नहीं, पिताजी के बनाए हुए मकान को सर उसके बाद भी इस तरह कर रहे हैं। क्या एक चीज और आ रहा है यादव जी की, यहाँ की जमीन जो आप यहाँ बनाए हैं, इस जमीन जो है 10 बीघे के करीब जो है जी, क्या आप जानकारी है आपको? जी सर, ये 10 बीघा का रकबा है, पूरा कम से कम आधा गांव बसा है सर। इस जमीन में हम ही नहीं बसे, पूरा गांव बसा है। गांव के पूरा तब खाली करा दे सरकार, पूरे गांव को खाली करा दे, हमको भी खाली करा दे। डी की कोई हेतु नहीं, हमको जबरदस्ती परेशान कर रहा है लेखपाल। केवल यहाँ के झगड़ा के जड़ लेखपाल है। जब से आए हैं लेखपाल मनोज यादव, वही सब करा रहे हैं। मनोज यादव रहने वाले कहाँ? एक ग्राम सभा के टोला है कोड़ी है, इसी ग्राम सभा के निवासी है मनोज जी। ग्राम सभा के निवासी है मनोज यादव। सब कुछ घटना कराने वाला सर वही है। अभी हम दहशत में, पूरा परिवार दहशत में है। हम लोग अभी भी डरे हुए हैं, समय में कहाँ जाएं, क्या करें। हम लोग 4-5 महीने से हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, इस तरह हमेशा हम लोग डरे हुए हैं। इतना हम लोग शिकायत किए कप्तान साहब के, पुलिस के, उप जिला अधिकारी के, डीएम साहब, सबको के। उसके बाद हमारा घटना हो गया, उसके बाद भी कोई आपको तो जिलाधिकारी के अभी एप्लीकेशन दिया है क्या? जी सर। वो कहाँ है, थोड़ा उसको दिखा सकते हैं आप अपने? जी सर, हम इंदू देवी बनकटा कला से बोल है। हम लोग का माता जी के घटना किया है, जो हुआ है वो मनोज यादव अथु किया है, फरुआ कुदाल से मारे हैं। हम लोग अभी वो बार बार धमकी दे रहे हैं, गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। हम लोग का मैं पूरा परिवार दिन रात नींद हराम है हम लोग का, कि कब क्या करेगा वो लोग। हम लोग बहुत परेशान हैं ना। हम लोग के सी ओ साहेब आवाज़ सुन रहे हैं, ना SHO सुन रहे हैं कि हम लोग क्या करें क्या नहीं। वो बार बार धमकी उनका भाई भी दे रहा है, मनोज यादव भी दे रहे हैं। काफ़ी आप लोग दहशत में? हम लोग दहशत में, पूरा परिवार। क्या चाहती है आप? हम अपने यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए हमारे माता जी को, हम लोग का साथ न्याय मिले, यही चाहते हैं। दीपाल यादव सदस्य क्षेत्र पंचायत बनकटा कला। सर, हम लोग के जमीनी विवाद में मर्डर हो गया हमारे माता जी को। अभी तक पुलिस प्रशासन, मेन मुल्ली में मनोज यादव लेखपाल, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। बार बार आके धमकी दे रहा है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग गांव से चला जाए, कहाँ जाए, प्लानिंग कर दे। हम लोग को समझ में नहीं है। उसका भाई भी एक, वो भी धमकी दे रहा है। अभी भी धमकियाँ मिल रही है, हम लोग क्या करें हमको समझ में नहीं आ रहा। कौन कौन धमकी दे रहा है? उसका भाई एक राजेंद्र यादव है, और लेखपाल भी कभी कभी आ जाते हैं गाँव में। और प्रशासन का नाम है मनोज यादव नाम है उसका। क्या मुलिम है? जी मुलिम है। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, 3 लोग हुए, उसका गिरफ्तारी नहीं हुई। पैसे के बल पर बच जाता है हमेशा, और गांव में तंग फैलाया हुआ है सर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसका गिरफ्तारी हो, गिरफ्तार हो, उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं सर। न्याय चाहते हैं? आपको न्याय मिले? हाँ, हमको न्याय मिले। हमारे पूरा अभी भी धमकी, इसके पहले हम कई बार कहे हैं सर, निवेदन भी किए हैं अधिकारी लोग से, अगर नहीं है तो ऐसा हम लोग को जान हत्या कर देगा वो, पूरे परिवार को। हत्या हो गई, मेरी माँ को हत्या हो ही गई। उसके बाद अभी भी हम लोग दहशत में, अभी भी चलेंगे। 12 तारीख को भी, 12/9/2022 उस दिन घटना जिस दिन हुआ जी, उस दिन मारने में कौन कौन लोग थे? मारने में था मनोज यादव था लेखपाल, और धनंजय, धर्मेंद्र, उमेश। लेकिन एक बात बाहर से आ रही है कि मनोज यादव उस दिन तहसील में कार्यरत थे, अपने काम पर, प्रधान किसान प्रधान सम्मान निधि का वो काम कर रहे थे। इस पर कहेंगे सर जी, वो कहाँ सम्मान निधि, 8 बजे कोई तहसील खुलती है, 10 बजे तहसील खुलती है,
यहाँ पर मौके पर आया, खुद चलाया मारा, उसके बाद उसके सर्विलाइज मोबाइल सर्विस लाइन में लगाया जाए। सर उसी दिन से हम कह रहे हैं कि उसकी मोबाइल को जांच किया जाए। यहाँ से कहाँ दूरी है तहसील के? यहाँ से कम से कम 6-7 किलोमीटर की दूरी होगी। क्या नाम है तहसील का? तहसील सिकंदरपुर में तहसील है सर। सिकंदरपुर में यहाँ से दूरी कितनी है? 7-8 किलोमीटर में। 7-8 किलोमीटर ना हो गई, 7-8 किलोमीटर हो गया सर। 7-8 किलोमीटर दूरी तो काफ़ी नज़दीक है जी। फिर आप बताइए आगे क्या आपका? हम सर यही निवेदन करेंगे, अभी भी कह रहे हैं कि हमारे परिवार कभी भी उन लेखपाल मनोज यादव लेखपाल हमारे परिवार को हत्या कर चुके, पहले भी किए थे, थाने पर एप्लीकेशन दिए, कप्तान साहब की एप्लीकेशन अगर एफ आई आर दर्ज हो गया होता उस दिन यदि उखाड़ दी गई और नाद तोड़ दिया गया, उसके बाद भी एफ आई आर लोग नहीं किए। एफ आई आर